Welcome to speeddining.in. Now we are analyzing after election profit analysis of our strategy. अब हम लोग ये समझेंगे कि जो भी strategy हमने इस election में apply की थी, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और क्या हुआ. So before election, ये तो expectation था ही कि किसी भी डायरेक्शन में अपसाइड या डाउनसाइड एक बड़ा मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये हमेशा हर 5 साल में होता है. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और हम इस अपॉर्चुनिटी को कम से कम रिस्क के साथ, नेग्लिजिबल रिस्क के साथ पूरा भुनाना चाहते थे, एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. तो जब बिगिनिंग हुई इस मंथ की, जब FNO का लास्ट मंथ खत्म हुआ, ये मंथ शुरू हुआ, तो ये प्लानिंग था कि एग्जिट पोल, भाई वोटिंग हो गई 24 को, एग्जिट पोल 12 को है और 16 को रिजल्ट्स है. तो उसके पहले हम लोग एक पोजीशन बना के रखेंगे कॉल पुट की. लेकिन शुरुआत से 1-2 तारीख से ही देख रहे हैं आप कॉल पुट की प्रीमियम बढ़ती जा रही है, अनरीजनेबल प्रीमियम्स होती जा रही है. और कहीं कोई बायर 7 लाख कॉल उठा रहा है, कहीं कोई 7 लाख पुट उठा रहा है, इस तरीके से काम हो रहे हैं. तो कॉल पुट की प्रीमियम बढ़ती चली जा रही है, वो अफोर्डेबल नहीं बच रहा है. फिर अचानक 8-10 दिनों के लिए बाजार में एक जबरदस्त करेक्शन सा आया. उस करेक्शन में चीज़ें नीचे आई, मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हुआ 4-5 दिनों के लिए, तो कॉल पुट की प्रीमियम थोड़ी टूटी. तो एग्जिट पोल के ठीक पहले हम लोगों ने 9 या 10 तारीख को पोजीशंस बनाई और जो मूवमेंट 13 तारीख या 16 तारीख को होने वाले थे, वो किसी न्यूज़ के लीक होने की वजह से 10-11 तारीख को ही वो मूवमेंट बाजार में देखने को मिल गया. और ऐसा दिख रहा था कि जो हमने कॉल पुट खरीदा, सपोज निफ्टी का कॉल या पुट खरीदा, तो कॉल डबल हो गया अगले दिन और पुट गिरा भी नहीं. कॉल बढ़ गया है 80% और पुट गिरा है सिर्फ 20%. तो इस तरीके से जिसने 10,000 रुपया कॉम्बिनेशन में लगा दिया था, उसको 15,000 से 16,000 रुपये मिल रहे थे. तो एक अच्छा मौका लगा हमको कि प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए. फिर ये चीज़ लगी थी कि कॉल पुट के प्रीमियम इतने बढ़ चुके हैं क्योंकि न्यूज़ पहले ही लीक हो चुकी है. अब वो जो सरप्राइज़ मिलना चाहिए मार्केट को, वो सरप्राइज़ बाकी नहीं रहा. वो न्यूज़ धीरे धीरे करके अपना असर पहले से दिखाती चली जा रही है. तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट जैसी कंडीशन लास्ट टाइम जो बनी थी, वो इसलिए बनी थी कि एक अप्रत्याशित घटना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए थे और उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया था. उस रिएक्शन में मार्केट में लगातार 2 सर्किट लगे और बाजार को बंद कर देना पड़ा था. एक ही दिन में सेंसेक्स 2500 पॉइंट बढ़ गया था. तो सारे कॉल पुट को यहाँ पे हैवी प्रीमियम थी और अब सरप्राइज नहीं था. तो ये पॉसिबिलिटी बनती थी कि अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आता है या बिलो एक्सपेक्टेशन कुछ भी होता है, तो ये सीधे नीचे आ जाएंगे कॉल या पुट, क्योंकि ये पहले ही प्रीमियम पे है. और वही हुआ, इलेक्शन के ठीक बाद देख रहे थे कॉल भी नहीं बढ़ पाया. कॉल बढ़ा 20% और पुट गिरा 70-80%. तो जो 2 दिन पहले घटना हुई थी, उसका ठीक उल्टा इलेक्शन के बाद 16 तारीख को देखने को मिला. तो हम लोगों ने तब फोकस किया कि कैलेंडर स्प्रेड जो निफ्टी का मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, उस पर फोकस किया गया, क्योंकि कॉल पुट भरोसेमंद बचे नहीं, उनकी प्रीमियम रियल नहीं थी. तो ऐसे में आपको बगैर कॉल पुट के, बगैर कॉल पुट की हेजिंग के सीधे निफ्टी के फ्यूचर पे काम करना था. तो मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदा और जून निफ्टी का फ्यूचर सेल किया और लेके बैठे उसको. 16 तारीख को जैसे ही बाजार खुलता है, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर खुली 7250 और हम लोगों ने वहाँ निफ्टी का जो बाइंग था, मई की बाइंग, उसको बुक किया और जून की जो सेलिंग थी उसमें नीचे गिरने का वेट करने लगे. तब तक घंटे 2 घंटे में क्लैरिटी आ गई बाजार में और उस क्लैरिटी में हम लोगों ने क्या सोचा कि जो बाइंग में प्रॉफिट बुक किया है उसमें हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी और जो सेलिंग थी उसमें वेट कर रहे थे कि बाजार नीचे आए. बाजार नीचे नहीं आया, वापस जब मजबूती देखने लगी तो हमने फिर से निफ्टी को बाय कर लिया और 30-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2 बार ट्राई किया. हमने प्लान कर रखा था कि 2 बार हम स्टॉप लॉस ट्राई करेंगे. 2 बार के स्टॉप लॉस में 1 बार SL टूटा, दूसरी बार सीधी निफ्टी 7500 गई और कम से कम 250 पॉइंट का प्रॉफिट सिंगल लॉट
स्ट्रेटेजी में हुआ. ओके, सो इट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन. थैंक यू वेरी मच. बाय.